हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, पूना वाला फिनकॉर्प की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक RBI रजिस्टर्ड नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC है। अब जिन लोगों को NBFC का फुल फॉर्म नहीं पता है, उन लोगों को मैं बता दूं, NBFC का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 23,887 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 46.5 की PE है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 8.42% है कंपनी की ROCE एंड 9.1% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न 1.77% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 6.56%। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 0.13% है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़ में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 480 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 429 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 397 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 130 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है, जून 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 124 करोड़ की प्रॉफिट एंड सितंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 74 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है अपनी इनकम ग्रोथ की तराई। और रही बात कंपनी की EPS की, तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है, लेकिन वो भी स्लाइटली ऑन द पॉजिटिव साइड पे ही है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ग्रोथ कम है लेकिन पॉजिटिव साइड पे ही है कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की EPS ग्रोथ। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कम या ज्यादा कंपनी ने हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन किया है, हर एक ग्रोथ कंपनी की पॉजिटिव में ही है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। हर एक जगह पे कंपनी ने इंप्रूवमेंट दिखाई है इन सितंबर क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में ऑलमोस्ट हाफ रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास, तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन
कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 152 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 3 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह ही वीक निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में अगर देखा जाए तो प्रमोटर्स ने NDIIs ने सेलिंग करी है एंड FIIs ने बाइंग। एंड अगर आप लोग एक चीज नोटिस करोगे तो धीरे धीरे बड़े प्लेयर्स जो है वो क्विट कर रहे हैं इस कंपनी से। एंड यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कि 3 साल पहले पब्लिक की होल्डिंग थी 8.69%, जो कि अभी इंक्रीज होकर 25.88% के आसपास हो चुकी है। तो गाइस अभी कंक्लूशन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि कंपनी फंडामेंटली ऑन द वीकर साइड पे है। कंपनी की जो फंडामेंटल्स की कंडीशन है वो वीक है एंड सितंबर क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आई है। कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है इन सितंबर 2022 के क्वार्टर, तो दोनों ही मतलब अलग साइड पे है। सितंबर क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है लेकिन कंपनी फंडामेंटली वीक है। तो ऐसे में मैं यही बोलूंगा कि आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में शॉर्ट टर्म पोजीशन प्लान कर सकते हो, लेकिन अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहां पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी अपनी 338 रुपीस के लेवल से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर रही है। एंड ये जो 338 रुपीस की लेवल है ये है कंपनी की लास्ट 52 वीक हाई की रेजिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी इस कंपनी में अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो गाइस कंपनी अभी जहां पे ट्रेड कर रही है यहां पे अभी दो चीज हो सकता है कि कंपनी एंटायरली यहां पे टोटली गिर जाए, मतलब 267 रुपीस तक की फॉल शो कर दे, और ये भी हो सकता है कि यहां पे ट्रेड करते करते 338 रुपीस की लेवल मतलब अपनी लास्ट 52 हाई को तोड़ते हुए ऊपर चली जाए। तो अगर कंपनी ऐसे टोटली गिर जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद आप लोग ऊपर के टारगेट के लिए मतलब 338 रुपीस के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर वहीं पे यहाँ पे ट्रेड करते करते 338 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो कंपनी जब इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी प्रॉपरली ऑन डेली बेसिस, उसकी कंफर्मेशन के बाद आप लोग अप्रोक्सीमेटली 415-416 रुपए के लेवल के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन स्विंग ट्रेड लेते टाइम स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। अगर आप लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो स्ट्रिक्ट लगाना, लूज लगाना चाहते हो तो लूज लगाना, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाना। विदाउट स्टॉप लॉस किसी भी स्विंग ट्रेड में एंट्री मत करना, सिर्फ इसी वाले स्विंग ट्रेड पे नहीं, किसी भी स्विंग ट्रेड पे एंट्री मत करना। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को भी मैं यही बोलूंगा सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल। जब कंपनी अपनी लास्ट 52 हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगी तब भी इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेश एंट्री प्लानिंग करना। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर आप लोगों का इस कंपनी के ऊपर भरोसा है कि ये कंपनी आगे चल के आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जा सकती है, तो ऐसे में अभी ये कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो सिंपली अगर ये कंपनी आप लोगों को 267 रुपीस के लेवल पे मिल जाती तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ द लास्ट 52 वीक हाई। बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहां पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन ऑन वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।